तुमने सुना नहीं लड़की, इस घर के किचन की इंचार्ज मैं हूँ। इंतहाई अदब के साथ एक बात कहूँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किचन हम दोनों का है, तो इंचार्ज तुम कैसे हुई? बताती हूँ, जब तुम्हें किचन इस्तेमाल करना होगा तो तुम्हें मुझसे आकर इजाजत लेनी होगी कि आया तुम किचन इस्तेमाल कर सकती हो या नहीं। समझ आया कि किचन की इंचार्ज सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है? नहीं समझ आया, लेकिन ये बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल अच्छा है, आपको केक पसंद आया। देखो अगर किचन में कुछ भी चाहिए हो ना, मुझसे मांगना, ठीक है? आइंदा मैं तुमसे वीजा लेके अंदर जाऊंगी। वीजा तो मैं जरूर दूंगी। वीजा किस बात का, केक तो अच्छा था ही नहीं। चलते हैं। हम जा रहे? तुमसे तो ना मैं बाद में निपटूंगी शोएब, पहले मुंह धो लो। यास्मीन, यास्मीन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरा मतलब हाँ, वो केक जो मैंने अपने बाबा के लिए बनाया था। ये क्या कर दिया मैंने यार, जल्दी से दूसरा केक बना लो ना। तुम्हें कुकिंग और बेकिंग के बारे में जरा मालूम नहीं ये नजर आ रहा है। मैं इस बात पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। किस बात? इसी बात पर जो तुमने कही, क्योंकि कुकिंग हमारा खानदानी काम है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें पता होता कि दो मिनट में केक नहीं बन सकता। शर्त लगा लो इस बात पर। हार जाओगे तुम। जानती नहीं हो मुझे। पहले मुंह तो साफ कर लो, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना। अच्छा बस करो, दो मिनट में वो केक रेडी कर देना, क्योंकि मेरे बाबा वहाँ बैठे बीमार वेट कर रहे हैं। तुम केक बनाओ, मेरा वादा है, मैं जाकर खुद डिलीवर कर दूंगा। शहर से बाहर चले जाओगे? जहाँ बोलोगी चला जाऊंगा। चलो फिर तैयार हो जाओ, केक तो दो। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? उफ, मेरी इतनी मेहनत जाया चली गई। आतिश बेटा, बेटा मुझे थोड़ा काम है बैंक, तो मेरा जाना लाजमी है, तुम यहाँ संभाल लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कर लूंगा मैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे हवाले है, फिक्र मत करें। सलाम चाचा। आयशा बेटा खुशामदीद, खैरियत तो है? आतिश साहब ने सूट ऑर्डर किया था तो उन्हीं का नाप लेने आई हूँ। तुम हर किसी के मसाइल हल करते हो बेटा। यूनिस बेटा, आयशा बेटी के लिए जाकर एक चाय लेकर आओ। बेटा मुझे बैंक में जरूरी काम है, आतिश के बस काम खत्म ही होने वाला है, तुम जाकर बात कर लो। खुदा हाफिज़ चाचा। खुदा हाफिज़। ओह आयशा, खुश आमदी, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। आ गए, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए। कोई बात नहीं, तुम बैठो, चाय पियो, आराम से बैठो, आराम से, बस 10 मिनट की बात है, मैं काम खत्म करके बस आ रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो जाओ, चाय पियो। जरूर। मुझे काम है ना इस वक्त, इसीलिए नखरे दिखा रहा है बस, पागल। देखता हूँ क्या करती है, अब कैसे मारेगी थप्पड़, अब पता चलेगा तुम्हें। Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, İsisi kardan da bana bir tane. İlk heyecan, gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kırdı Robert Gintazar, abi de şuruat mı? देखते बाहर दलंदा या I think कुछ और करना पड़ेगा। बाहर दलंदा या प्राग यूदस्तान दा परलाग गुजशमदान वाला ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak. Bekar her sari koşuş. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Ye to mujhe dekh bhi nahi rahi hai, kitni behis hai. Ye to rahat kar dega. Ateş böceğim misin? ये क्या कर रहे हो? ओह मैंने स्कर्ट भी छोटा है। उठ जाओ आशा, उठ जाओ।
doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevgilim söyler misin? एक लड़की इतनी बेहस कैसे हो सकती है? ये तो ये नोटिस ही नहीं कर रही। अब देखते हैं कि कौन भागता है। चलो बेटा आतिश, तेरा आखिरी चांस है। क्या करने की कोशिश कर रहा है पागल? लगता है कि आपका काम नहीं खत्म होगा। हाँ, अभी नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं। आयशा, बस थोड़ी देर में फ्री होने वाला हूँ यार। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में आ जाऊंगी मैं। लिया तुमने? हाँ, पूरा खा लिया। तौबा, रुक जाओ जरा, देखना अब तुम सबको सुहेला बताएगी। उसे छोड़ो, उस बच्ची ने केक अपने बाबा के लिए बनाया था, खा लिया तो क्या हुआ? जिससे देखो केक की बात कर रहा है यहाँ पर, बस अब बहुत हो गया, वो एक आम केक था। बस करो, आम केक होता तो तुम हड़प कर लेते। हाय मेरी बेटी, पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी। दुनिया की सबसे अच्छी बेगम। हाय मिट्टू, इतना तकल्लुफ क्यों किया? पानी में ना डाल दूं इन्हें, क्या ख्याल है? फ्रेश हो जाएंगे। बोलो। हाँ सोहेला, वो तुम्हारे जैसा केक बिल्कुल नहीं था। हाँ कसम से, उन लोगों को लगा था। सच सच कह रहा हूँ मैं, मैंने तो खा के कुछ बहुत अलग लगा मुझे। टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऊपर से टॉपिंग भी अच्छी नहीं थी, लेकिन सब खा रहे थे तो मैंने भी खा लिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारा फैन रहा हूँ सोहेला, तुम जानती हो ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मेरे मिट्टू जानू, बल्कि ये बहुत ही अच्छा हो गया ना। मैं इस पूरे खानदान की फेवरेट कुक थी, क्या पता था मेरे घर वालों को और मेरे प्यारे मिट्ठू को मेरे केक का जायका ही भूल जाएगा। सही कह रही हूँ ना मिट्ठू? मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोहेला। हाँ बिल्कुल सही जानू, बैठो। ओके बैठ जाता हूँ आराम से। तुम्हें वो चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगा था ना मिट्ठू, इतना के सब भूल गए। मैंने दो दो चॉकलेट केक बनाए हैं तुम्हारे लिए। सच है? बिल्कुल सच। चलो वो टेस्ट करते हैं मिट्ठू, क्योंकि तुम्हारी राय से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी आम नहीं है, समझ गए ना? ऑफ कोर्स मेरी बहना। तो तैयार हो ना मेरी जान? बहुत मेहनत से बनाया है, जायकेदार। पहली सॉस है बिटर चॉकलेट। हाँ ये लो, कैसी लगी? और हमारी दूसरी सॉस है कैरमल के साथ टर्किश कॉफी फ्लेवर। तो बताओ कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? वैसे मेरे तजुर्बे के मुताबिक दोनों फ्लेवर डिफरेंट टेस्ट बना है, जो केक पे मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे मैं यही एक्सपेक्ट करता था, वेरी ग्रेट जॉब, कसम से मुझे बहुत पसंद आए। यू आर सो स्वीट जानू। सिर्फ स्वीट? हाँ, बहुत मीठा हो गया अब तो। खैर इंस्पेक्शन पूरी हुई, अब मुझे बाथरूम की सिचुएशन देखनी होगी, वहाँ जाता हूँ। जाओ जाओ, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें। Mm-hmm.
हेलो, हैव अ नाइस डे। चॉकलेट देखकर इसे अपने आप पर काबू ही नहीं रहता। अब तो समझ आ गया होगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब समझ गई हूँ अच्छे से मैं, डोंट वरी। वाकई आई, कितनी समझदार लड़की हो तुम। ब्रावो ब्रावो, सी यू लेटर। जरूर। डाल लो इसकी, बहुत सी नजरों में हम इस वक्त। मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों मेरी प्यारी सी बीवी? सुहेला, हटो। अच्छा बस ठीक है ना, बस ठीक है। है आतिश, तुम और मैकेनिक के कपड़ों में क्या हुआ? बाबा जान ने आग कर दिया है क्या तुम्हें? नहीं वो मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी है, आजकल उसे ठीक करने में लगा हुआ हूँ बस। गाड़ी से पहले अपनी वाइफ को ठीक कर लो, बेहतर होगा। ये भी ठीक है। आहा, ये अमीर भी किसी नमूने से कम नहीं। कोई चीज अपनी जगह पे नहीं रख सकते, काम करने की आदत ही नहीं। हाय अल्लाह, जिंदगी में पहली बार मेहनत की है तभी बदबू के भपके उठ रहे हैं। जाहिल पागल बावला, इसे बचाए कोई। You are making me sick. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। बताओ तकलीफ हो रही है? हेलो मिस मोजेस, बहुत माजरत, मैंने अभी अभी आपकी ईमेल देखी है। दरअसल मेरे घर वालों को मेरी जॉब के बारे में अभी नहीं मालूम। जी क्या मैं ये काम कल कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कल तो मेरा कॉलेज भी नहीं है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। बात सुनो मेरी। या आयशा, मैंने आज बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मानता हूँ मैं, और तुम्हारे वहां से जाने के बाद मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तुम जैसे चाहो मेरा नाम ले सकती हो। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मेरा नाप लेना था ना आयशा, बहुत मैले हो रहे हैं कपड़े, मैं ये उतार देता हूँ ताकि तुम आराम से नाप ले लो। क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, समझे? अंदर चले जाओ, चुपचाप जाओ। चलो अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। मैं भी नाप ले रही हूँ तुम्हारा, और फौरन दफा हो जाओगे तुम यहाँ से। तुम बहुत ही रूड तरीन टेलर हो ऐसे। हाँ अब पता चल गया ना तुम्हें, तो आइंदा मेरे मुंह मत लगना, इसी में तुम्हारी भलाई है। आतिश क्या कर रहे हो तुम? सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी कर तो रहा हूँ मैं, वैसे काफी काफी जबरदस्त है, खानदानी लग रहा है। हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है, बाबा ने दिया था, गिफ्ट दिया था उन्होंने। हर किसी ये मत सोचना कि मैं यहाँ खड़ी तुमसे बातें करती रहूंगी और इन बातों में अपना काम भूल जाऊंगी। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो यार? असल में हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है वैसे, तुम्हारे भी बहुत नन्हे नन्हे से सीक्रेट्स हैं, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक कहा ना मैंने? आई अज्यूम के तुम्हारे पेरेंट्स को इस जॉब के बारे में नहीं पता, सही कह रहा हूँ ना मैं?
आंखे तो मिलाओ तुम मुझसे। सही पकड़ा ना मैंने, हर किसी की लाइफ में ऐसा जरूर होता है। खबरदार जो तुमने मुझे अपने जैसा समझा, क्योंकि बाज लोगों को पॉकेट मनी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, समझे? लेकिन मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? तुम ऐसी बातों को कब से समझने लगे भला? ऐसा नहीं कहो ना यार आयशा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, मैं मैकेनिक का कॉस्ट्यूम पहने हुए यहाँ पर खड़ा हूँ। एक मैकेनिक हूँ ना मैं, चाहो तो कुछ सिखा दो मुझे। तो ठीक है फिर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। पहला सबक, एक शादीशुदा शख्स को अपनी वाइफ के साथ लॉयल होना चाहिए, ठीक है? सबक खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से, निकलो। बल्कि इस कमरे से ही नहीं, मेरे घर से भी चले जाओ। जाओ। आयशा। बाबा। जाओ, 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 जाओ। आयशा। आयशा, कब से आवाजें दे रहा हूँ मैं तुम्हें? जी बाबा, मैं कपड़े बदल रही थी, आवाज नहीं आई आपकी। आयशा, वो ज़िया चचा फोन पर हैं, उमूद के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या उमूद के लिए कपड़े सी दोगी तुम? हाँ जी जी, सी दूंगी, उनको खुद कॉल कर लूंगी मैं। हाँ ज़िया, वो कह रही है कि मैं उमूद को खुद कॉल कर लूंगी। हाँ हाँ हाँ, खुद हैंडल कर लेगी वो। बहुत शुक्रिया आपका, और आज क्लास तो बहुत ही औसम थी, ऐसी क्लास में दोबारा जरूर लेना चाहूंगा। कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? कोई क्लास दोबारा नहीं होगी, यू सेल्फिश। अरे ये गलत बात है आयशा, इतना बुरा भी क्या कर दिया मैंने बताओ? मुझ जैसा शरीफ लड़का ना कहीं और मिलेगा नहीं तुम्हें। शरीफ इंसान, शराफत के शीन का मतलब भी जानते हो क्या तुम? देखो, मैं इस नौकरी के जरिए अपने घर वालों की सिर्फ मदद करने की कोशिश करती हूँ, समझ गए तुम? इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त किया, अब जाओ, चलो जल्दी जाओ। बस सुनो, अभी तक ना जान नहीं पाई हो तुम मुझे। जानना भी नहीं है, पता है क्या समझते हो खुद को? साफ सी बात है कि तुम्हारी पहले दिन की बातों के बाद मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं बचा, बल्कि मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम। हो ही कौन, समझते क्या हो खुद को? अब जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो जाओ। जलाल, अगर कारोबार चल पड़ता है तो पूरे ही बागीचे की मट्टी बदल डालेंगे हम, केसरी की मट्टी से भर देंगे इसे। देखना फिर कैसे उस जरखेज मट्टी में फूल ही फूल खिलेंगे। अम्मी जान, हाँ? अगर आपको जरखेज जमीन चाहिए तो मेरे गांव की मिट्टी मंगवा लें। और उसमें हम क्या उगाएंगे? कद्दू का खेत? वो भी बुरा नहीं है, खाने के लायक है। केसरी की मिट्टी में क्या उगेगा भला? तीखी मिर्चें। ए परियान, मिर्चें ज्यादा नहीं लगाओ। तो फिर और क्या लगाऊं मैं? ए, अपने काम से काम रखो और बात को बढ़ावा नहीं दो, समझ में आया क्या? अम्मी जी, हाँ। बस बहुत हो गया, आप जाके आराम करें, बहुत देर से काम कर रही हैं। जलाल बेटा, जरा अपनी बीवी को भी बागबानी करना सिखाओ, वरना ये समंदरों की रहने वाली यहाँ भी मछलियाँ उगा देगी और हर तरफ सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ नजर आएंगी, और सलाद में भी मछलियाँ पेश करेगी हमें। चलो हटो। जी अम्मी, बड़ी मीठी बातें करती हैं आप। अम्मी नाराज हो गई लगता है। में आ गए अम्मी। सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल अंकल। वो केक वाला मसला, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं, आपके नसीब का था। थैंक्स, लेकिन वो तुमने अपने बाबा के लिए बनाया था। जी बिल्कुल, वो बीमारी से उठे तो फरमाइश कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर बना के भेज दूंगी। बीमारी कैसी, सब खैरियत है? बाबा बहुत बीमार थे, ऑपरेशन भी करना पड़ा था उनका। अफसोस हुआ सुन के। शुक्रिया। क्या मसला हो गया था जो ऑपरेशन करना पड़ा? दिल का। हाय।
अल्लाह जल्द से एहतियाब करे। आमीन। तुम्हारे बाबा की इंश्योरेंस तो होगी ना? जी जी फिर ठीक है, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स हाँ मुश्किल होता है। मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ काम भी करती हूँ, बस वही ढूंढ रही हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगी जल्दी। बेटी देखो एक चीज है, हमारी शॉप में काम कर सकती हो तुम। क्या मतलब? मानती बनाऊंगी मैं? अरे वो नहीं। मानती नहीं, तुम वो केक क्यों नहीं बनाती? मैंने जिंदगी में ऐसा केक नहीं खाया। हम मीठे का मेन्यू बना लेते हैं, मतलब तुम कमीशन रख लेना, क्या ख्याल? बोलो। हाँ क्या सच में? आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जलाल अंकल। कोई बात, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच। हमारा पार्टनर बनने के लिए खुशामदीद। जलाल क्या? ठीक है तुमने अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया। अगर आगे कोई मसला हो जाए फिर क्या करोगे तुम? वो लड़की बहुत हुनर वाली है, देखो उसे पैसों की जरूरत है और हमें माफी की, समझो। और दमीर वो क्या सोचेगा? दमीर को किराएदार तो वैसे ही पसंद नहीं है, और खास तौर पर ये यास्मीन। ओ तो मुझे दमीर के फैसले मानने होंगे। अब दमीर को मैंने सिर्फ दुकान दी है, अपने घर की सरबराई नहीं। मतलब क्या है? वो काम पर जाएगा तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, कभी नहीं। माना कि दमीर जरूर दुकान का मैनेजर है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं डिसाइड मैं करूंगा। दुकान सिर्फ मेरी है, याद रखो। क्या समझा है तुमने? क्या समझ रखा है? है जलाल, तुम बात को कहां से कहां ले गए। मुझे अब इस पर और बात नहीं करनी है। ये आदमी तो बातों को समझता ही नहीं। आज घर में खाना क्यों नहीं बना? सुहेला ना यास्मीन वाली बात से नाराज हो गई है। तो बीवी ऊपर है और तुम यहाँ? जब भूख लगी ना तो बाथरूम का बहाना बनाकर धरना दे दिया उसने। मुझे पहले पता होता तो खा लेता, मुझे क्या पता नाराज है। और बताओ दमीर, दुकान कैसी चल रही है? वैसे कोई खास चेंजेस नहीं है। देखो तो उसे कोई फिक्र ही नहीं। शोएब कुछ पूछा है? जब भी काम की बात होती है तो वो घूमकर मेरी तरफ ही आ जाती है। लेकिन आप फिक्र ना करें, दुकान के लिए कस्टमर मैं बढ़ा सकता हूँ। सैलेड खाओ, बहुत मजे की है। ये देना जरा। हाँ तो दुल्हा भाई, क्या आइडिया है फिर? मैं बताता हूँ बेटा, मुझे पता है। मानती की खुशबू वाली मोबाइल ऐप। नहीं बाबा, अभी खुशबू देने वाले मोबाइल इजाद नहीं हुए, लेकिन ये भी हो सकता है। मतलब कि तुम वो भी ट्राई करोगे? आप तो नहीं बोले मामा, लेकिन साइंस भी बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रही है। अरे आप तो छोड़ें दूल्हा भाई, बताएं ऐसा मोबाइल फोन कौन खरीदेगा? कुछ तो अकल से काम लें आप। पता नहीं आप भी क्या बातें करते हैं। मैं दुकान भर के रहूंगा। ठीक है शोएब बेटा, ठीक है। ऐसा करो पहले अपनी जेब भर लो, उसके बाद दुकान देख लेंगे। मेरी बात सुनो। क्या कहा तुमने? वो भी मेरे टेबल पे हाथ मार के? बताओ क्या बताना चाहते हो? अक्का कहना था। आका? बात सुनो के बाद आका बताओ क्या कहना था। हाँ? जी देखे देखो अक्का कह दिया। नहीं ये नहीं। वही बोलो जो बोलना चाहते थे, बोलो। तुम्हारा सुसर देखना चाहता है, कितनी हिम्मत है तुम में।
दुल्हा भाई, उम्मीद है कि आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया होगा, वरना बाबा से आपको कोई नहीं बचा सकता। खाना खाओ खाना। खा रही हूँ। मानो मानो, तुम यहाँ हो? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, भूख लगी ना तुम्हें? खा लो, सब खा लो। तुम्हें पता है अगर ये घर ये मेरा होता ना तो तुम्हें अंदर ले जाता, लेकिन बात यह है कि मैं खुद किराएदार हूं यहां। वैसे भी जलाल अंकल थोड़े से गुस्से के तेज हैं, मना कर देंगे, कबूल नहीं करेंगे, समझ रही हो ना मेरी बात तुम? तो इसलिए हम दोनों यूं ही बाहर बैठ के मिलते रहेंगे, छुप छुप के मिलते रहेंगे। कितना मजा आ रहा है ना। और वैसे भी सिर्फ जलाल अंकल की बात ही नहीं है, बहुत से लोग और भी रहते हैं यहां इस घर में। किसी और को अगर तुम्हारा आना अच्छा ना लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे भाई को होगी। बताओ इन्हें तुम बेटा, कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। आयशा और दादी जान को गार्डन में भी बिल्लियां नहीं पसंद। उसकी वजह? पौधों को खराब करती है, और क्या वजह होगी? इसलिए इन्हें खाना देना बंद करो। अरे यार, इतने से खाने से क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं भी खाना देती हूँ। ओह आई सी, तो ऐसा करते हैं कि एक हफ्ता तुम्हारा और एक हफ्ता मैं खाना दूंगा, कैसा रहेगा? यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा है। कुछ तो ऐसा है तुम्हारे अंदर जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है, और मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब से इस बात का यकीन कर लो कि जब जब तुम अपना हाथ मेरी तरफ उठाओगे ना, मैं इसे थाम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गुड नाइट। सम्मी, खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आयशा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? नहीं। अच्छा, कॉलेज में तुम्हारा दिन आज का बहुत अच्छा गुजरा है, और अल्लाह तुम्हें अगले सलीम अता करे। आमीन, इंशाल्लाह। मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। आओ ना हमारे साथ, नाश्ता करो, तैयार है सब कुछ। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम है। आतिश साहब का सूट भी मुकम्मल करके देना है आज ही, ठीक है? तो बहुत काम है। बहुत काम है, बहुत ही ज्यादा काम है।
अंदर चलो। मेरा काउंटर किस तरफ होगा जलाल अंकल? बाबा ये क्यों आई है यहाँ? बेटा यास्मीन बेटी आज से इंशाल्लाह उस दिन जैसे मजेदार केक हमारी बेकरी के लिए बनाएगी ताकि हमारी सेल और बढ़ जाए। वैसे ये तंदूर आपने किसे दिया था? तुम्हें? हाँ, फिर फैसला करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, अभी कल ही हम इसके हाथ के बनाए हुए केक खा के पागल हो रहे थे। अच्छा सच बताओ, तुम्हारी आपा के हाथ के बनाए हुए केक से ज्यादा लज्जत नहीं है इसके हाथ में? हाँ, खुद ही सोचो इत्मीनान से। ऐसी सेल बढ़ेगी कि पूछो मत, दिमाग से सोचो जरा बेवकूफ। ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आपा को भी बता दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगा। मेरा काउंटर लगा था, शानदार काउंटर लगाऊंगा तुम्हारा। अम्मी हाँ, चाय तैयार है, आ जाए। तुम पी लो अभी, मैं जरा यहाँ मिर्चे लगा रही हूँ, उसके बाद पीऊंगी। वाह क्या शानदार केक है। ये यास्मीन का कमाल है, केक बना के फ्रिज में रख गई थी वो हमारे लिए। उसके बाबा का केक नहीं खाएंगे हम इस बार। तुम ही जलाल। हाँ लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी लड़की है। काश दमीर की किस्मत में भी ऐसी लड़की से शादी करना लिखा हो तो कितना अच्छा होगा। हाँ काश के, लेकिन ऐसा कैसे होगा? काश के हमारी आयशा के लिए भी आतिश जैसा जिंदा दिल लड़का मिल जाए। तुमने भी देखा ना, उस लड़के ने करोड़ों की दौलत को लात मार दी है, कमाल कर दिया उसने। असल में तो शौहर ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? यार परियान मेरी बात सुनो, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा मतलब अगर आयशा को शादी करनी है तो इस आतिश जैसे लड़के से तो हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों ही मेरे दिल को नहीं भाए। अगर तुम लोगों की यही सोच रही तो इन दोनों बच्चों को बर्बाद कर दोगे। याद रखना, यहाँ लिख रही हूँ, ये दोनों यकीनन कोई चक्कर चला रहे हैं। अरे बस करे अम्मा यार, आखिर क्या चक्कर चलाएंगे दोनों? हाँ बेटा, दुनिया देखी है मैंने, जानती हूँ मैं, तुम भी जान जाओगी। फिर ना ना ढोल पीटते हुए, अम्मा मुझे बचा ले मुझको। अल्लाह ना करे अम्मा। ये ऐसा क्यों कह रही है जलाल? अरे यार तुम नहीं जानती, अपनी बात मनवाने के लिए किसी के भी पीछे पड़ जाती है। और हाँ, आतिश के लिए मेरे ख्याल पहले जैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वैसे तुम और तुम्हारी अम्मी में भी कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों ही जिद्दी हो। मैं भी कहाँ फंस गई, तुम ही बैठकर आराम से चाय पियो, अब से कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं। अल्लाह अल्लाह, हर बार मैं ही क्यों बुरा बन जाता हूँ, सब मेरी वजह से होता है। ये सांचा केक बनाने के लिए फिट रहेगा। कम ऑन दमी, कोई बेवकूफ ही होगा जो इस सांचे में केक बनाएगा। तुम्हें मजाक सोच रहा है? तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो? तुम्हें केक से मसला है या फिर मुझसे? तुमसे मसला है मुझे, केक से नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? हाँ तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि मेरी तो बच्चा हट गई। यास्मीन, जब तुम्हें काम नहीं आता तो दूसरे पे इल्जाम क्यों लगाती हो? अगर तुम्हें काम करते हुए डिस्टर्ब करना होता तो और भी तरीके हैं। देखो अभी भी चीख रहे हो, तुम ये काम मुझे देके कोई कराटे स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? हाँ यही तो तुम्हारा इरादा है, तुम इस तंदूर पर कब्जा करना चाहती हो। मुझे तो लगता है मेरे बाबा को तुमने मैजिकल केक खिलाया होगा। मैजिकल केक? दमीर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं इतने टाइम से इस केक का नाम सोच रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था, तुमने इस केक को पहचान दी है। अच्छा तो फिर इसकी शादी भी करवा दूंगा। मजाक कर रही थी बस मैं। ठीक है चलो जरा जल्दी आओ, दही को अपनी जगह पर रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जी बेहतर मालिक, जाए।
मेरी आवाज सुनने के लिए कॉल की है? इट्स ओवर। क्या ब्रेकअप कर रही हो? जी हाँ, ठीक समझे आप। आपका सूट सिल गया, आकर ले जाए आप। इसके बाद मैं आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहूंगी। जी समझे आप। और उस घर में? अपना रास्ता बदल लिया करूंगी, लेकिन आज के बाद तुम्हें नहीं देखूंगी मैं। चलो देखते हैं। लेकिन मेरे सब रास्ते तुम तक ही जाते हैं आयशा। एक्सक्यूज मी, गुजरने दें। एक्सक्यूज मी, टूरिस्ट गाइड। हमारे प्यारे सयाहों, हमारे सामने मीमार सिनन की बनाई हुई सबील है। आप देख सकते हैं, आबे हयात चश्मा नाम है इसका। जहां तक मैंने सुना है, मीमार सिनन मस्जिदें बनवाता था, सबीलें तो कभी नहीं बनवाई। अरे भाई, ये भी हो सकता है उसके स्टूडेंट ने बनवाई हो। हाँ, ये देखें, उसके स्टूडेंट ने बनवाई है ये सबील। मैं गाइड हूँ या तुम गाइड हो? मैं गाइड हूँ, मैं मुझे बताओ। तो साथियों, मैं तुम्हें तारीख बताना चाहता हूँ। हमारे गाइड तो सरवत साहब थे ना, वो कहाँ चले गए? यस ऑफ कोर्स, मिस्टर सरवत तो खुद तारीख का हिस्सा हो गए, क्योंकि म्यूजियम से किसी खास और बड़े काम से वहाँ बुला लिया है। और इस्तांबुल के टूरिस्ट को घुमाने का काम मैं करूँगा। तो आप एक सवाल का जवाब दो, किस किस को भूख लगी है? मैं तो भूख से मरने वाली हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये सब देखते देखते हम कहाँ आ गए? इस्तांबुल के सबसे मशहूर तारीखी कैफे पे। क्या आप सब मांती खाना चाहेंगे? चले फिर कैफे पर। Do you wanna eat some logic? No logic? यानी मांती लॉजिक। Do you wanna eat some? Eat logic? दमीर, जी आइए, वेलकम। आइए, तशरीफ रखिए। आइए। जी जी, आप भी बैठे, यहाँ बैठे। आजे, सब लोग आजे अंदर। कैसा? देखो, कहा था ना मैंने, भर दिया। बहुत खूब दूल्हा भाई, आइए अंदर। जी अभी आया, बोलिए। फेवरेट फूल लेके आओ तुम्हारे लिए। समझ गई हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं। अच्छा, अचानक से क्या हो गया तुम? दूर रहो। तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाह, फिर से भूल गए हो क्या? शादीशुदा हो तुम, शादीशुदा। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि हमेशा याद रखोगे तुम। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।